डिजिटल पेमेंट में भारत टॉप पर बड़ी मिसाल पेश करते हुए चीन समेत इन देशों को पछाड़ा। भारत यूपीआई से ट्रांजैक्शन के मामले में पूरे विश्व में अव्वल नंबर पर पहुंच चुका है। आंकड़े खंगालने पर यह जानकारी निकलकर सामने आई है। पिछले साल यानी कि 2022 के डाटा के मुताबिक साल 2021 की अपेक्षा में इंडिया दुनिया के कई देशों को पछाड़ते हुए आगे निकल आया है। जानकारी के मुताबिक देश के डिजिटल पेमेंट में 91% तक की बढ़ोतरी हुई है। भारत का डिजिटल ट्रांजेक्शन 89.5 मिलियन रहा है। इन देशों को पछाड़ते हुए मारी बाजी। ब्राजील, चीन, थाईलैंड और साउथ कोरिया को धूल चटाते हुए इंडिया टॉप पोजीशन पर कायम है। आपको बता दें कि कभी ये देश डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत से बहुत आगे हुआ करते थे। अब इनका नंबर भारत के बाद है, जिसमें ब्राजील 29.2 मिलियन, चीन 17.6 मिलियन, थाईलैंड 16.5 मिलियन और साउथ कोरिया 8 मिलियन के साथ चौथे नंबर पर है। अब अगर इन चारों देशों के आंकड़े पर नजर डालें तो इनसे भारत बहुत आगे है। बता दें कि कभी चीन डिजिटल पेमेंट के मामले में नंबर 1 पर था। साल 2010 में चीन का डिजिटल पेमेंट सभी देशों से ज्यादा था, जिसका ट्रांजैक्शन 1,119 मिलियन था। दूसरे नंबर पर भारत था, जिसका 370 मिलियन का ट्रांजैक्शन था, जबकि तीसरे नंबर पर अमेरिका था, जिसका डिजिटल ट्रांजैक्शन 153 मिलियन था। डिजिटल पेमेंट के मामले में इंडिया में साल 2010 के बाद से काफी उछाल देखने को मिला है। साल 2014 के बाद तो इसकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत का डिजिटल पेमेंट का ग्राफ साल 2023 के साथ ही बड़ी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल इस मामले में चीन पिछड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट बेंगलुरु में हो रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली रहा है। फिर आता है माया नगरी मुंबई का नंबर। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु साल 2022 में 6,500 करोड़ रुपए के 29 मिलियन ट्रांजेक्शन दर्ज किए गए थे।